हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रूही युविका से क्वेश्चन करती है और रूही कहती है कि साक्षी परेशान है। कहती है अच्छा, तो तुम साक्षी के लिए परेशान हो? कहती है हाँ। तो कहती है कि साक्षी से प्यार है तुम्हें? तो चुप हो जाती है। रूही कहती है जवाब दो। कहती क्या जवाब चाहिए तुम्हें? मैं अभी परेशान हूँ यार, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दोगे? तो रूही आगे बढ़ती है और उसका फेस अपने हाथ में लेती है और कहती है अच्छा ठीक है, अभी इस मोमेंट के लिए ये सारी बातें भूल जाते हैं। और एक बात बताओ मुझे, मैंने आज तुम्हें किस किया? तुम्हें अपने इतने करीब लेके आई और आज तुमने मुझे कुछ कहा नहीं, ऐसा क्यों? तो युविका कोई जवाब नहीं देती, वो चुप रहती है। तो रूही कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। कैन आई से? तो युविका कहती है कहो तुम भी, क्या कहना है तुम भी कहो और खत्म करो ये डंडा। तो कहती है क्या मतलब, क्या डंडा, क्या कही जा रही हो आज तुम, पागल हो गई हो क्या? कहती है कुछ नहीं सॉरी। हाँ बोलो क्या कहना है? कहती है पास्ट में जो हुआ उसके लिए रियली रियली सॉरी, मुझे उस समय समझ नहीं आया था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और इस चक्कर में मैं तुम्हें हर्ट कर गई और बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई। उसके लिए मैं तुमसे जितनी माफ़ी मांगू उतनी कम है, बट ट्रस्ट मी, मैंने तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार किया है, किसी और से नहीं, और कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। तो युविका कहती है कि इतना प्यार क्यों किया, नहीं करना था ना, जब चली गई थी छोड़ के तो भूल जाना चाहिए था, क्यों करती रही इतना प्यार? हाँ कहती है नहीं था खुद पे जोर, बिल्कुल भी नहीं था, चाह के भी तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं पाई। मैं बहुत कोशिश की कि निकाल दूँ, डर देती हो तुम मुझे, लेकिन नहीं निकाल पाई, नहीं निकाल पाई युविका, और तुम्हें शायद कभी मैं अपने दिल से निकाल भी नहीं पाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत, और उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैंने जो भी किया पास्ट में। तो युविका उसका हाथ पकड़ती है और कहती है स्टॉप इट यार, क्यों सॉरी बोल रही हो? जो गलती तुम्हारी थी ही नहीं, उसके लिए सॉरी क्यों बोल रही हो तुम? मत बोलो, चुप हो जाओ, मुझे और गिल्ट मत दो, मत दो मुझे और गिल्ट। तो कहते मतलब मैं अपनी गलती के लिए माफी मांग रही हूँ बस तुमसे। कहती कौन सी गलती के लिए माफी मांग रही हो तुम, जो तुमने की नहीं उसके लिए?
बोलो, कहती क्या हो गया योगिता तुम्हें, तुम मुझसे नाराज थे उस बात को लेके। अब रोहित को लगने लगता है कि योगिता शायद मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहती है और इसलिए इस तरह बोल रही है। तो कहती गलती हो गई थी यार, कर दो ना माफ़। तो कहती है यार मत मांगो ना माफ़ी बार बार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है अच्छा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो कहती है तो तुम एक गलती के लिए क्या पूरी ज़िंदगी मुझे दोषी मानती रहोगी। कहती है पागल लड़की, मुझे सच पता है कि जो कुछ किया ऋचा ने किया, ऋचा की वजह से हुआ। मुझे नहीं पता था वो दोस्त बन के इस तरह पीठ पे कंजर चलाएगी। पता है मुझे सब कुछ, मत हो तुम परेशान इतना। तो रोई एकदम शॉकिंग तरीके से उसको देखती है, कहती है आपको सब पता है सब कुछ। कहती है हाँ मुझे सब पता है सब कुछ। कहती है तो आप अभी भी मुझसे नाराज हो। कहती है नहीं यार तुमसे नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझी, मैं खुद से नाराज हूँ कि मैंने उस दिन जब तुम बार बार कह रही थी कि मेरी बात सुन लो बात सुन लो, तो मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, बल्कि तुम्हारे साथ इतना गलत बिहेव किया, उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ यार। अगर माफ़ कर सको तो माफ़ कर देना रोई, प्लीज़ माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर, आई एम रियली सॉरी। तो रोई कहते शांत हो गया जो होना था, उस सिचुएशन में तुम थे मैं समझ सकती हूँ कि वो रिएक्ट तुमने क्यों किया, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं तो कहूँगी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो होना था हो चुका, ओके, नाउ गिव मी अ बिग स्माइल, रोना बंद करो। कहती है मैं क्या करूँ क्या करूँ मैं। तो रोई कहती है कि फिलहाल मुझे एक हक कर दो, आई नीड इट वेरी बैडली। तो युविका उसे मना नहीं कर पाती और शायद कोई भी मना ना कर पाए, अगर कोई अपने प्यार से इतने टाइम बाद मिला हो, वो भी गलत फहमियाँ दूर हुई हो, तो शायद ही कोई मना कर पाएगा। वो उसे हक करती है बहुत टाइटली और ऐसे ही कम से कम 10-15 मिनट तक वो दोनों हक करके रखते हैं एक दूसरे को। उसके बाद रोई अलग होती है और उसके फेस पे, गालों पे, आँखों पे, हर जगह उसे किस करती है। और किस करने के बाद
से कहते हैं थैंक यू मुझे मेरा प्यार देने के लिए, अब हम साथ हैं ना, हाँ अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, मैं और तुम, सिर्फ मैं और तुम। तो कहते हैं काम डाउन। रोहित मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मेरी लाइफ में साक्षी भी है जिसे क्लोजर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहती है दो ना उसको क्लोजर, उसे बोल दो ना दैट यू लव मी और तुम्हें मेरे साथ रहना है बस। कहती है मुझे नहीं पता अभी, मुझे सच में नहीं पता अभी कुछ, मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ। कहती है यू लव मी ना, कहती है यस आई डू, बहुत करती हूँ, आज भी करती हूँ। कहती तो फिर प्रॉब्लम क्या है। कहती है साक्षी को मैं इस तरह छोड़ नहीं सकती यार, उसने मुझे तब संभाला था जब मुझे किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और उसने मुझसे कहा था कि उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं अपना कहने के लिए। तुम बताओ मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ, कैसे छोड़ दूँ मैं। ध्रुवी कहती है लिसन योविका, फैसला तो तुम्हें लेना पड़ेगा, और ये फैसला जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लो तो अच्छा है, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ये तुम्हें पता है। योविका कहती है मैं खुद नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। कहती है तो फिर दिक्कत क्या है यार, अगर तुम साक्षी को बताओगी तो ज़रूर समझेगी। तो योविका कहती है मैं ऐसे कैसे जाके उसे कह दूँ यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो रोई कहती है एक सेकेंड, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि एक मिनट तुम्हारे दिल में कहीं साक्षी के लिए भी जवाब चाहिए, मुझे जवाब दो अभी के अभी। मुझे जवाब चाहिए। तो योविका चुप रहती है, उसे चुप देख के रोहित को गुस्सा आता है। कहती है योविका इफ यू लव मी ना देन फैसला जल्दी करो, समझ में आया तुम्हें, मुझे ये ड्रामेबाजी नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मैंने ऑलरेडी तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, अब और नहीं, ठीक है। तो कहते गिव मी सम टाइम, इतना तो कर सकती हो, थोड़ा सा वक्त दे सकती हो मुझे, हाँ प्लीज। कहती है ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए तो ले लो, बट फैसला जल्दी करना। और ये कह के रोई वहाँ से जाने लगती है, फिर पलट के वो योविका की तरफ देखती है। योविका बहुत परेशान होती है और चुपचाप ऐसे ही बेड पे बैठ जाती है। तो रोई उसके पास आती है और कहती है आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें प्रेशराइज्ड कर रही हूँ, नहीं करना चाहिए, बट मैं तुमसे प्यार
दिल दिमाग में किसी और को लेके इस तरह की कश्मकश मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, सच में नहीं हो रही। कहती है समझ सकती हूँ मैं कि अभी तुम कैसा फील कर रही होगी, बट यू पिक अप प्लीज, जो भी फैसला लेना है जल्दी लेना, मैं जाती हूँ। ये कह के रूही वहाँ से बाहर चली जाती है। अब युविका बहुत परेशान होती है और वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है उस टाइम पे कि वो दोनों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है कुछ टाइम के लिए। रूही उसके थोड़ा पास आने की कोशिश करती तो वो उसे भी हटा देती, साक्षी आने की कोशिश करती तो वो उसे भी हटा देती थी। वो दोनों से ही दूर भाग रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला करे और क्या नहीं। साक्षी और रूही युविका की परेशानी देख के और ज़्यादा परेशान हो रहे थे, उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है जो एक फैसला करने में इतनी आफत आ रही है। इफ यू लव मी देन चूज मी ना, दोनों यही सोच रहे थे। और युविका तो थी परेशान बहुत ज़्यादा, तो वो ऐसे एक जगह बैठी हुई होती है चुपचाप, कुछ सोच रही होती है। एक दिन इसी में ऐसे कई दिन निकल जाते हैं। वो अमित को भी कॉल करती है। अमित कहता है मुझे अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, थोड़ा सा सब्र कर लो। इससे उसका मेंटल स्ट्रेस और बढ़ रहा होता है। इधर साक्षी और रूही थोड़े टाइम बाद युविका को इग्नोर करने लगते हैं, जब देखते हैं कि युविका की तरफ से कोई फैसला नहीं आ रहा होता। पहले युविका उनको इग्नोर कर रही होती है, फिर वो युविका को इग्नोर करने लगते हैं। युविका रूही के पास जाती है एक दिन और कहती है कि रूही मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रूही कहती है अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। कहती है मुझे पता है तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो और ये सब करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो मेरी प्लीज़ एक बार बात सुन लो। कहती है मैं क्यों सुन लूँ तुम्हारी बात, मैंने तुम्हें कहा था ना फैसला लो, तो तुमने क्या किया, हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। हाँ यही किया ना। कहती है यार मेरे लिए फैसला लेना इतना आसान नहीं है जितना तुम दोनों को लग रहा है। तुम दोनों को क्या लग रहा है, मैंने तुम्हारे साथ या साक्षी के साथ सिर्फ मजे किए हैं क्या, मैं दोनों से कनेक्टेड फील करती हूँ। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। हाँ मैं थक गई हूँ यार तुम दोनों को मना मना के, कभी कोई रूठ जाती हो तो कभी कोई रूठ जाता है। मंदिर का घंटा है क्या, जब मर्जी आए आके बजा दो। सडन रूही कहती है तुम इंतज़ार नहीं कर पाई तुम मेरा, इतनी जल्दी थी एक रिश्ते में जाने की तुम्हें। कहती सच में रूही मुझे सपने आ रहे थे
तुम इस तरीके से मेरी लाइफ में वापस आ जाओगी? मुझे सपने आ रहे थे तुमने जो मेरे साथ किया था वो सब धोखा नहीं था? बोलो, सपने देख रही थी मैं? नहीं ना, कैसी बातें करती हो यार, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ होने वाला है मेरे साथ। पता होता ना तो शायद मैं खुद की जान ले लेती तब, या ये सब करती नहीं तुम्हारे पास वापस आ जाती। यार मैं पागल हो चुकी हूँ। और ये कहते कहते रोई रोने लगती है। पीछे साक्षी सारी बातें सुन रही होती है। रोई को रोता देख रोई सॉरी युविका को रोता देख रोई और साक्षी की भी आंखों में आंसू होते हैं। तब आगे क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।